साथ ही आप लोग देखना सामने देखो यहाँ यहाँ किस कैमरे पर हमारे बीच मुरली सिंह रावत और प्रधानाचार्य एमजी विद्यालय झूठी देवी आप ना गैस पे आओ आप ये किधर आओ अभी ये किधर मैंने इनको थोड़ा सीधा कर देंगे ना एक साथ आ जाएंगे सारी उधर बैठी हैं वो राम सिंह सिंह रावत जी उत्तराखंड जनजाति आयोग नहीं उत्तराखंड जनजाति परिषद के सलाहकार हैं मैं उनका स्वागत और जो आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं श्री डॉक्टर यूएस रावत कुलपति श्री देव सुमन देहरादून एसजीआर देहरादून और वर्तमान में ये हमारी नीति मणा घाटी कल्याण समिति के देहरादून के अध्यक्ष भी हैं भाई साहब आपका बहुत बहुत स्वागत और इसके बाद इस संयोजक मंडल की ओर से बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8 महीने पहले जब बरसात हुई थी तो यहाँ पर जहाँ पे पहले गौरा देवी का मूर्ति स्थापित थी वो जगह धस गया था और प्रशासन द्वारा वहाँ पर उसको उठा के तहसील जोशीमठ में सुरक्षित रखा हुआ था और कल गांव वालों के सहयोग से गांव वालों ने प्रशासन से मिलकर सबसे पहले मूर्ति वहाँ से अपने गाँव रेणी गाँव में फिर वापस इस गाँव में लाए हैं और यहाँ पर इन्होंने इसको स्थापित किया। आज सुबह जब देवी की याद ऐसा आता है कि हम पहले गांव के लोग बहुत गरीबी लोग था और जंगल की साग सब्जी से अपने पेट की पालन करते थाया दवाई से जड़ी बूटी से दवाई कन थाया तो फिर हमारे गांव में ऐसा था कि जड़ी बूटी से दवाई की काम कन थाया और घर गांव घर की विकास नहीं थी राशन पानी बाजार में नहीं आती थी जंगल की साग सब्जी से अपने पेट भरती थी तो मेला मंगलदार बहतर में हमारे मेला मंगलदार संगठन कर हमने गौरा देवी को हमने अध्यक्ष रखा तो फिर भलवा आए त्योहार में उन्होंने जंगल के कटान करना शुरू करा तो हमारे गांव की महिलाओं ने कहा वो जंगल जाएंगे हमारा जड़ी बूटी उठ जाएंगे हम साग सब्जी से अपने पेट पालन घर से करेंगे तो इसलिए हमने संगठन करा उनको जाना नहीं देंगे।